आधी रात को आज़ादी मिली थी जब भारत में कुछ नहीं था, और 75 साल में जो भारत ने प्रगति की है, टुडे इंडिया इज़ नोन इन टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो वी आर सेलिब्रेटिंग द रिचनेस, द कल्चर ऑफ इंडिया, वी आर सेलिब्रेटिंग द वाइब्रेंटनेस ऑफ इंडिया. अज तो 75 साल पहला भारत देश दुनिया के नक्शे से आजाद मुल्क वजो जाने जान लगा. भारत वासियों ने बरतानवी साम्राज्य दी गुलामी दी जंजीर तोड़ के आजाद फिजा विच सा लिया. भारत के उस समय के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहरू के लाल किले ते झंडे लहराउण तो लैके अज तक 15 अगस्त नूं भारतीय लोग तिरंगा झंडा लहरा के आजादी दिवस मनाते हैं. अज टोरोंटो विच भारतीय कौंसल खाने और ब्रैम्पटन समेत GTA के कई शहरों में इस झंडे की रस्म अदा किया गया. भारत जो झंडा रोहण हम करते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि क्योंकि हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था तो हम उस दिन झंडा रोहण करके बताते हैं कि हम आज़ाद हैं और हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है. तो इसीलिए झंडा रोहण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसको करते हैं. उन्होंने दिया आज फ्रीडम फाइटर ने, और सब आज़ादी के लिए जो जिनका योगदान था उनके लिए आज हम वो कर रहे हैं. 75 ईयर्स के बाद भी इंडिया जो प्रोग्रेस कर रहा है उनकी हम सबको खुशी है. इस मौके इंडियन कौंसलेट श्रीमती पूर्वा श्रीवास्तव और हाजरीन काफ़ी उत्साह विच दिखे. श्रीमती पूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय मूल दे वासियों का यह जोश और देश प्यार देख के यह महसूस ही नहीं होंदा कि वह भारत तो किसी बाहरले मुल्क विच रह रहे हैं. एंथुजियाज़म इंडिया में है, उतना ही एंथुजियाज़म मुझे यहाँ इंडियन कम्युनिटी में मिल रहा है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से जो विदेश में हमारे बैठे हुए जो हमारे डायस्पोरा है, जो हमारे लोग हैं इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, और कई इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जिस उत्साह के साथ मना रहे हैं, जिस तरह से इंडिया मना रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इसको देख के. ओ वेरी गुड, रहिंदे इत्थे लोग मित्रो, दुख सुख विच रहिंदे कट्ठे मित्रो, चार पाई इंडिया दिशान मुंडिया, ऑल ऑफ यू से लव यू इंडिया, सारे बोलो लव यू इंडिया. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी. इट्स इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे. वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे टुडे. सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग. सो इट्स अ बिग बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस. सभी मित्र वर्ग शहीद लोगों ने अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना सुख शांति चैन सब छोड़ के सिर्फ भारत की स्वतंत्रता आज तक जो बनाई रखी है उसके लिए हमारे पास एक शब्द भी नहीं है कि हम कैसे वो उपकार को आगे बताएं. थैंक यू वेरी मच. आम भारतीय कनेडियनों के नाल नाल भारतीय मूल के कैनेडा विच सियासतदानों वालों भी इन इवेंट विच अपनियां हाजरियां लवाईयां गईयां. सैक्रीफाइस सारे इंडियंस ने किया आजादी वास्ते. सो यही मेन मैसेज ये है कि जो फ्रीडम्स ने, जो राइट्स ने अपने इंडिया के लोगों को मिले थे उस टाइम पे, दैट दे आर सेलिब्रेटिंग दोज टुडे. इस दिन के ऊपर जिथे असी रह के आए हैं, जिथे असी अपनी जिंदगी एंजॉय की है, यंग हुए हैं और ये बड़े बड़े रुतबे उत्थे तक लाए आ, इन चीज़ों से बहुत बड़ा माण आ. इस तरह असी आके कैनेडा दे विच भी अपनिया वध तो वध मेहनत करते हैं, वध तो वध अपना इनपुट पाने, कैनेडा भी सानू दिंदा. पिछले 2 सालों तो कोविड कारण पैनोरोमा इंडिया वालों कौंसलेट जनरल की मदद नाल करवाई जाती परेड इस साल 21 अगस्त 2022 नेथन फिलिप्स केयर विखे दोबारा आयोजन कराई जाएगी. इस परेड के बारे चेयरपर्सन वैदोई रॉत दसते हैं. प्रोग्राम शुरू होंगे 12 बजे से लेकर रात तक, तो हमारी ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद पेट्रियाटिक सेगमेंट होगा और कल्चरल सेगमेंट होगा, और उसके बाद परेड होगी. सो पूरा दिन ये पूरे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, कल्चरल सेगमेंट्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस इन GTA. यहाँ पर आप तो जानते हो कि इतने सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है और इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस है, तो पैनोरमा इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जो सारे इंडिविजुअल्स को एक जगह पे लाके हमेशा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है. पैनोरमा इंडिया दी चेयर वैदवी ने दस्या कि इस बार दे प्रोग्राम विच भारतीय सभ्यता, भारतीय खाने, भारतीय पहरावे अते भारत दे राज्यां दीयां भिन्न-भिन्न झलकियां इस परेड विच देखण नूं मिलणगियां. देखिए, परेड होता है अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ नेथन फिलिप्स स्क्वायर, तो वो शुरुआत होगी यूनिवर्सिटी एवेन्यू एंड आर्मरी स्ट्रीट पे, वहाँ से जाके पूरे स्ट्रीट्स कवर करके फिर से स्क्वायर में वापस आ रही है. और इस परेड में शामिल होने वाले हैं सारे इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने ट्रक्स डेकोरेट करके परेड में चलेंगे, और काफ़ी सारी इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो अपने बैनर लेके हमारे साथ परेड करेंगे.
वैदवी मुताबक इस बार के प्रोग्राम विच बॉलीवुड के अदाकार अते अभिनेताओं वल्लों भी शिरकत की जाएगी अते नेथन फिलिप्स केयर बिल्कुल मिनी इंडिया वांग झापेगा। परेड मार्शल्स है जो है राहुल देव और मुग्धा गोडसे, ये दोनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है जो हमारे परेड मार्शल्स रहेंगे एंड वो परेड के टाइम पे भी रहेंगे और स्टेज पे भी आएंगे। तो वी लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू टू बी देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, 12 बजे से लेके रात तक। और स्क्वायर में ढेर सारे बूथ रहेंगे तो वो मत भूलिए, आपको इंडियन खाना मिलेगा, कपड़े, ज्वेलरी और काफ़ी सारी सर्विसेज के बूथ रहेंगे जो आप वहाँ पे जाके खाने का मजा ले सकेंगे। जसप्रीत पंदेर, ओमनी न्यूज़, टोरंटो।